सेना अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे साहब का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ स्वागत करना चाहूँगी रश्मि ताई ठाकरे जी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, डंके की चोट पर अपनी बात को कहने वाले सामना अखबार के कार्यकारी संपादक, शिवसेना के नेता और सांसद संजय जी राउत का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऑफ कोर्स द मैन, द फोर्स बिहाइंड दिस ग्रेट फिल्म। स्वागत करना चाहूँगी हुनर की खान दोस्तों, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रतिभावान अधिक अदाकारा दोस्तों, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए अमृता राव जी के लिए भी। साथ ही स्वागत करना चाहेंगे कार्निवल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर श्रीकांत भासी साहब का, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ स्वागत करना चाहूँगी वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अजीत अंधारे जी का। तो थोड़ी ज़ोर शोर से तालियां हो जाए। और सभी हमारे यहाँ जो मीडिया पर्सन्स हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देवियों और सज्जनों, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, नाम सुनते ही एक सन्नाटा सा छा जाता था। जी हाँ, ये उनकी आवाज़ का दमखम था कि उनके आने की सिर्फ भनक, उनके आने की सिर्फ एक आहट, और कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए हमारा दिल थम सा जाता था। बाला साहेब जी की जब एंट्री होती थी ना, तो तालियों की जो गर्जना होती थी, ऐसी गर्जना शायद बादलों की गर्जना उससे उसकी तुलना की जा सकती है। या फिर ये कहा जाता है कि बादलों की तुलना दोस्तों, बादलों की जो गर्जना है वो भी कहीं ना कहीं पानी कम चाय लगती थी। तो शायद ये वो एंट्री थी जो हम सबको याद रहती है। दोस्तों, उनकी एंट्री के दौरान जो नारे लगते थे, उसमें सबसे यादगार जो नारा था, तो मैं आप सभी का इसमें साथ चाहूंगी, कोण आला रे कोण आला। थोड़ी सी वो दमखम यहां भी होना चाहिए, कोण आला रे कोण आला। जी हाँ, यही वो नारा है जो कहीं ना कहीं आज भी हम सभी के जहन में गूंजता है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं। जी हाँ, उस गर्जना को एक बार फिर आप सभी सुनेंगे इस रूपले पर्दे पर, जिसके लिए हम सभी आतुर हैं। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बालाजी थे दोस्तों, तो ऐसा लगता था कि हमारे असली पिता के साथ कहीं ना कहीं एक और पिता हमारे पीछे खड़े हैं, कहीं ना कहीं एक माँ की ममता हमारे साथ चल रही है। और उनके जाने के बाद एक सूनापन सा फैल गया। शायद दुनिया की कोई भी ताकत इस खालीपन को अब भर नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं उनके जो असूल हैं, उनकी जो निर्भयता है, हमारे जीवन में, हमारे दिलों में घर कर चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जी हाँ, उनके जीवन के कुछ बहुत ही खूबसूरत अंतरंग पल को ये फिल्म दर्शाती है। और इस फिल्म में, इसके अलावा इस फिल्म के पिटारे में क्या क्या है, हम सब इस सब को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो दोस्तों, बाला साहेब के बारे में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है हम सभी में। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, जी हाँ, रियल लाइफ में उनको उतारने के लिए, और रियल लाइफ में जो हमेशा उनके साथ रहे, उनके समक्ष रहे, आज वो सब यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो चलिए पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अजीत अंधारे साहब को। बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि आनी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, पहले वो फिल्म और अब बाला साहेब के जीवन शैली पर ठाकरे ये फिल्म, आखिर इन सब की वजह क्या है, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सबका स्वागत, और खासकर श्री उद्धव ठाकरे जी का स्वागत जो सपरिवार यहाँ पधारे हैं और इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, या ये कहा जाए कि इन लोगों ने हमें इस कार्य में सम्मिलित किया है। क्योंकि ये जो सब मेहनत है संजय जी की है, अभिजीत जो हमारे कलाकार, नवाज़, अमृता, सभी लोगों की मेहनत है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस सफ़र में, इस प्रवास में जुड़ गए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि वाईकॉम के लिए ये जो फिल्म है, ये दो लैंग्वेजेस में पहली बार एक साथ रिलीज़ होगी। हमने ये पहले कभी नहीं किया है। तो ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों में एक वक्त सिनेमाघरों में देखी जाएगी।
तो ये बड़ी एक अच्छी बात है हमारे लिए, यूनिक बात है। दूसरी बात ये कि ये हमारे स्टूडियो के लिए 75th फिल्म है, 75वीं फिल्म, और हमारी 10वीं मराठी फिल्म। तो इन दो माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग सब्जेक्ट शायद ही हमें मिलता। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टनरिंग विद अस। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू कार्निवल, श्रीकांत इज हियर, सुनील इज हियर, थैंक यू ऑल वेरी मच। Film is a very big team work. It's a very big team play, and we are very excited about what we have here. Of course, there is a big journey with Nawaz that we have had, and you were talking about our journey in Marathi, Kashinath Ghanekar. Now, when we were thinking of Marathi films, we said we should bring out characters, personalities, which we all celebrate daily. So why do we go and look for fiction stories and new stories when there are such cinematic characters that exist and such stories that already are there, you know. But doing this film is also a huge responsibility, because as you said, you used the word, you know, chai mein pani kam, you know, with Balasaheb Thackeray, anything that you do, the standards are so high, the bar is so high, that it's almost embarrassing that you are going on this venture. So I would really want to compliment Nawaz, who has dared to, you know, roar like the tiger here, and I think it's a very ambitious venture for us, and we are so looking forward to it. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, sir. Request, please kindly take your seats. So, ladies and gentlemen, thodi zordar taaliyan ho jaye, and bahut hi insightful ye beginning rahi hai. Aur chaliye isi ke saath, jaisa ki maine pehle kaha ki haan, the man, the force behind this project pe, dosto aap sabhi ki taaliyan chahungi, aur hum sab jante hain ki ना ही वो सिर्फ एक शिवसेना के नेता हैं, लेकिन बाला साहेब जी के बहुत ही करीब रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के बीच, लेट्स हियर इट फॉर श्री संजय राउत जी। तो जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो, तो आपसे तो जितना भी कुछ पूछा जाए शायद वो कम होगा, क्योंकि जिस तरीके का आपका एक अटूट रिश्ता रहा है बाला साहेब ठाकरे जी के साथ। लेकिन मैं कम बोलता हूँ इस बारे में, चलिए हमेशा मेरे मन में रखता हूँ। आज थोड़ा सा कुछ आपसे सुन लिया जाए। बताइए कि क्या विजन रहा है आपका इस फिल्म के पीछे। देखिए, बाला साहेब ठाकरे जैसी महान व्यक्ति इतिहास में बार बार पैदा नहीं होती। जिसे हम अमर कहते हैं, वो अमरत्व बाला साहब के पास ही रहा हमेशा, आज भी है। और जब मैं उनके साथ जब देखता हूँ कि मेरा उनके साथ जो प्रवास रहा वो बहुत ही रोमांचक रहा। बाला साहब में एक ऐसी शक्ति थी कि उनके आसपास आने वाले किसी भी सामान्य व्यक्ति को असामान्य बना देते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति उनके साथ है, वो शूर बना देते, उनको वीर बना देते, उसको असामान्य बना देते। कि मैं बाला साहब के साथ काम करता हूँ या उनके साथ मेरा रिश्ता है, उसका मतलब है आप असामान्य हैं। तो बहुत से सामान्य व्यक्तियों को असामान्य बनाने की ताकत हमेशा बाला साहब में रही, वो मैंने नज़दीक से देखा है, महसूस किया है। एक शक्ति थी वो, आज भी वो शक्ति हमारे साथ है। दोस्तों शायद यही वो बातें हैं जो बहुत ही उभर कर, बहुत ही निखर कर, जिस तरीके का आपका ये जो ख्याल है, जो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त, ये सब कुछ इस फिल्म में बहुत कोशिश किया है मैंने। देखिए, बाला साहब जैसी व्यक्ति या महान व्यक्ति को 2 घंटे में या 3 घंटे में आप पर्दे पर नहीं बना सकते हो, नहीं उतार सकते, जिसे आप लार्जर देन लाइफ कहते हो, उनसे भी बड़े थे बाला साहब। जो उनके साथ रहे वो महसूस करते थे, और जो नहीं रहे वो ज़्यादा महसूस करते बाला साहब के बारे में। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक छोटा सा हमने कोशिश की है बाला साहब को लोगों के सामने फिर एक बार। देखो, हम जो कहते हैं कि बाला साहब शेर थे, हमने जंगल में बहुत शेर देखे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आज भी बाला साहब हमारे बीच नहीं है, फिर भी लगता है कि शेर है, शेर अभी जिंदा है। दहाड़ हम सब सुन सकते हैं एक बार फिर। इतिहास में वो दहाड़ कोई मिटा नहीं सकता है। बिल्कुल, ठाकरे का मतलब ही है कि दहाड़ है, गर्जना है,
और रहेगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में भी, सर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में भी आप चंद शब्द कह दें। नहीं नहीं, मैंने कहा कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं इस फिल्म के, उनके बारे में भी अगर आप चंद शब्द कह सकते हैं तो। मिस्टर पानसे, अभिजीत को मैंने बहुत बचपन से देखा है, और जैसे अजीत अंधारे जी बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा वेंचर है, जब मैंने उसकी शुरुआत की तब मेरे साथ कोई आने को तैयार नहीं था। बहुत से डायरेक्टर्स या और मेरे पास, नहीं अरे बाला साहब की फिल्म पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मैं बड़े बड़े डायरेक्टर के पास गया था, लेकिन फिर मुझे अचानक अभिजीत याद आया। बोला ये है कोई मेरे साथ नया लड़का काम करेगा। अभिजीत ने भी बाला साहब को देखा है हमेशा, और अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है अभिजीत ने। डायरेक्टर क्या होता है, बाला साहब की भूमिका हो या माँ साहब की भूमिका अमृता जी ने की है या नवाज भाई ने बाला साहब की भूमिका की है, अपने आप बाला साहब अंदर आ जाते हैं। लेकिन माँ साहब को लाना थोड़ा कठिन था, क्योंकि उनका कोई रेफरेंस ही नहीं है माँ साहब का। बाला साहब के तो बहुत रेफरेंस है, आपने भाषण देखे हैं, सब देखे हैं, लेकिन माँ साहब का कोई संदर्भ नहीं रहा, तो सबसे ज़्यादा कठिन काम अमृता ने किया है ये माँ साहब का। तो अभिजीत मेरे साथ जुड़ा है पहले से, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर स्टोरी तो मैंने बनाई, मैं बाला साहब को ज़्यादा देखा है, लेकिन ये सब जो कलाकार मेरे साथ जो क्रू था उनमें बाला साहब लाना बहुत ज़रूरी था। हमने कोशिश की, अभिजीत ने बहुत मेहनत की है। नवाज भाई को मैं बहुत उनका फैन रहा हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि नवाज भाई को आपने बाला साहब का रोल कैसे दिया, एक लंबी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। गुजारिश करती हूँ कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करें, और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कार्निवल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर श्रीकांत भासी साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ इस मंच पर। तो आपके लिए तो मेरे पास एक ही सवाल है कि पहले तो सचिन या बिलियन ड्रीम्स, और इसके बाद ये सिक्सर, तो कैसे सोचा आपने ये सब कुछ? नहीं, दोनों अलग अलग। सबसे पहले नमस्कार सबको। मैं शुक्रगुजार हूँ उद्धव जी ठाकरे साहब का और संजय जी रावत जी का कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया इस मूवी में एसोसिएट होने का। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दोनों अलग अलग पिक्चर हैं, अलग अलग जॉनर के पिक्चर हैं, मूवीज़ हैं, और एक खेल के ऊपर है, और ये जो है ये हर एक इंडियन, अगर आप भारतीय हैं तो ये उनके लिए मूवी है। और ये मैं ये बता दूं आपको कि ये मूवी हमारे लिए, ये मूवी से बढ़कर है। ठाकरे जो है हमारे लिए मूवी से काफ़ी बढ़कर है, शायद ये एक एहसास है हम सभी लोगों के लिए। करेक्ट, एक रेफरेंस भी है। आप ये मूवी देखने के बाद में ये एहसास करेंगे, जितने भी यूथ हैं हमारे यहाँ के, इंडिया के जितने भी यंग जनरेशन है, वो हो सकता है नहीं, आई एम श्योर कि वो इसको रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि जब आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, हाउ कॉन्फिडेंट, हाउ व्हाट डिटर्मिनेशन से आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको इस मूवी में मिलेगा। एक सीख भी उसके साथ हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, इट्स प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और चलिए दोस्तों, इस सितारे के बारे में जितना भी कहा जाए कम होता है, क्योंकि जब भी इन्होंने किसी भी किरदार को निभाया है तो वो किरदार को उन्होंने अमर कर दिया है। लेकिन आज एक अमर किरदार को ये निभाते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ इस मंच पे स्वागत करना चाहूंगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है नवाज भाई। तो आपके लिए, जैसा मैंने कहा कि हर किरदार जब आप उसका रोल निभाते हैं तो उसको अमर कर देते हैं, और अब इस अमर किरदार को आप निभा रहे हैं, तो क्या भावना रही है और आपकी, और क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो नमस्कार सबको, और थैंक यू राव साहब,
पहली बार जब मैंने ये न्यूज़ सुनी और ये कि ये रोल मैं कर रहा हूँ, और मुझे यकीन नहीं हुआ अपने अपने आप पे। फिर हम लोग नीचे गए, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो उसके नीचे गए, और मेरी लाइफ का आई थिंक सबसे ग्रेट मोमेंट था वो। हम लोग तीन साथ में थे, मैं, ब्रदर और मेरा अनूप। तो मेरी खुशी वो उनको मालूम होगा कि कितना खुश हुआ था मैं, और क्योंकि इसलिए खुशी हुई कि आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रोल था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना और जैसे जैसे टाइम आता गया कि मैं नर्वस होता गया क्योंकि मैं किस तरीके से कर पाऊँगा, ये रोल कैसे करूँगा। आई थिंक और वो सारी जो मेरी परेशानी, जो मेरे साथ मिलके मुझे सपोर्ट किया, वो अभिजीत ने, और फिल्म के दौरान भी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत ही ईज करते चले गए मुझे, और एक कॉन्फिडेंस देते चले गए, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे एक्टर को ये कैरेक्टर मिले, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स टू उद्धव जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, राव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको अप टू द मार्क करूँ, क्योंकि बाड़ा साहब की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने में, और वो चंदी लम्हों में आपको एक उसका छोटा सा एक ग्लिम्सेस कुछ दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए अब आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत ही एक अहम किरदार निभाया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा किरदार जिनके बिना बाला साहेब का जीवन बिल्कुल अधूरा होता। वो उनकी अर्धांगनी, उनकी पत्नी, और आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं मीताताई ठाकरे की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं यहाँ पर स्टेज पर हमारी अदाकारा अमृता राव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमृता जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे जो स्पीचेस हुए हैं उसके दौरान, जैसा कि राउत साहब ने कहा कि ना कोई रेफरेंस था, कहीं हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, हम उनकी स्पीचेस नहीं थी, तो किस कितना कठिन था आपके लिए, और किस तरीके से आपने इस किरदार को निभाया, और क्या कोशिश रही आपकी, और किस तरीके का होमवर्क रहा आपका?